कोंडागांव जनपद में मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना को लगाया जा रहा है पलीता। आपको बता दें, कुछ समय पूर्व ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के हित को देखते हुए एक योजना चालू की थी। उस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। इस योजना में 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आपको बता दें, इस योजना में हितग्राहियों के आधार और परिवार आईडी दोनों लिंक होनी चाहिए और ये आवश्यक भी है। लेकिन परिवार से आधार लिंक हो तो कैसे हो, जिसके लिए जनपद के कर्मचारियों के द्वारा पंचायत सचिवों को आईडी पासवर्ड ही नहीं दिए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता सचिव नीरज सिंह चौहान ने बताया कि आईडी लिंक न होने से ग्रामीणों के द्वारा 181 पर शिकायत की जा रही है। लेकिन हम आधार लिंक करें तो कैसे करें, कैसे जनपद के कर्मचारी अर्जुन राजारियों के द्वारा मुझे आईडी पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है, आईडी जनरेट न करने का कारण सचिव ने ऑपरेटर की लापरवाही बताया है। हालांकि जनपद में पदस्थ अर्जुन राजौरिया की पहले भी पैसे लेकर काम करने की शिकायतें आ चुकी है। फिलहाल प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। मेहगांव जनपद के विधायक प्रतिनिधि अशोक जाटव ने बताया है कि हम शिकायत करें तो करें कहां, सीओ साहब पर अन्य विभागों के चार्ज होने के कारण वे मेहगांव में कम समय ही दे पाते हैं। हालांकि अशोक जाटव ने कहा है कि आप सहयोग करें तो ऊपर भी इस भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे। क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम? परेशानी ये है कि जनपद द्वारा हम लोगों की आईडी जनरेट नहीं की गई KYC, इसलिए गांव वालों की, गांव के लोगों की KYC नहीं कर पा रहे। आपका नाम? नीरज सिंह चौहान। अभी जो लाडली बहना योजना में KYC की जरूरत पड़ी, उसकी संबंधित आपका कोई कार्य चल रहा है? हाँ चल रहा है, वो लोग हमारी शिकायत कर रहे हैं इस वजह से कि इन्होंने हमारी आईडी बनाई नहीं है, इस वजह से हम उनकी KYC नहीं। आईडी न बनाने का कारण क्या है इनका? नेताजी, अभी कुछ जो सेक्रेटरियों की शिकायत आ रही है कि जो अभी मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की जो स्कीम चल रही है, जिसमें 1000 रुपए प्रतिमाह देने को आ गया है, उसके संबंध में KYC का जो ऑप्शन एक चालू किया है, वो KYC करने के लिए जो वहाँ पर जो सेक्रेटरी को अथॉरिटी दी जाती है, वहाँ के कर्मचारियों द्वारा नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे अपने CM साहब की इच्छा है कि सभी महिलाओं को लाडली महिलाओं के लाभ मिले, इसलिए CM साहब हमारे बहुत सक्रिय ताजे काम कर रहे हैं। मगर यहाँ अगर कर्मचारी कोई लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैं इसके लिए सख्त हैं। अगर आप मदद करें हमारी तो हम ये हितग्राही मूलक योजना पर जितनी है सब पे निःशुल्क काम किए जाए जनता के। हम इसलिए यहाँ आते हैं कि जनता परेशान न हो, तो हमारी भी सोच है कि जो जनता को लाभ मिलता है वो सही तरीके से मिले और परेशान न हो, उधर उधर में भट रही जनता। और जो भी यहाँ रिश्वत लेते अगर आपको कोई मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, मैं हम आपके साथ हैं।